हाँ जी स्टूडेंट्स, जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा फिजिक्स क्लास 12th का, और आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ ए फ्री स्पेस, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम, या उसको हम क्या बोल देंगे, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। ठीक है, जैसे हमने कूलम्स लॉ के अंदर पढ़ा कि मान लो हमारे पास दो चार्ज है, Q1 Q2, सेपरेशन R, तो इनके बीच में जो हमने फोर्स निकाला था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाला था, वो हमारा आया था कितना, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये हमारे पास फोर्स आया था। ठीक है, यहाँ पे जो K है, इस K की वैल्यू जो डिपेंड करती है वो मीडियम पे भी डिपेंड करती है, और वो जो सिस्टम ऑफ यूनिट है उस पे भी डिपेंड करती है। हमारे पास K की वैल्यू रहेंगी यहाँ पे, जैसे एक बार तो हम K को यूज करते हैं 1/4 pi epsilon naught, ठीक, एक बार हम K की वैल्यू यूज करते हैं क्या, 1/4 pi epsilon। यहाँ पे जो epsilon naught है वो क्या है, epsilon naught है हमारे पास इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ठीक है, और यहां epsilon क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम। ठीक है, अगर हमें वैक्यूम के अंदर फोर्स निकालना हो, फोर्स इन वैक्यूम, तो हमारे पास K की वैल्यू ये आएगी, हम यूज करेंगे 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बात क्लियर होगी, अगर हमें फोर्स निकालना हो मीडियम के अंदर तो हम निकालेंगे K की वैल्यू क्या लेंगे मीडियम के अंदर, 1/4 pi epsilon Q1 Q2 by R स्क्वायर। ठीक कर लेंगे, ये जो परमिटिविटी है ये हमें किसके बारे में बताती है, मान लो हमारे पास अलग अलग मीडियम होते हैं। ठीक है, मैं अलग अलग मीडियम लेके आपको समझाता हूं, ये हमारे पास मान लेते हैं मरकरी है, HG मीडियम है, ये एक मीडियम है हमारे पास, इसमें हमने वॉटर ले लिया। ठीक है, एक में हमने मरकरी ले लिया, एक में वॉटर ले लिया, हमने यहां पे भी चार्ज रखे Q1 Q2 सेपरेशन R, सेम सिस्टम हमने यहां रख दिया Q1 Q2 सेपरेशन R। ठीक है, तो किसी भी मीडियम में दो चार्ज एक दूसरे से कैसे इंटरैक्ट करते हैं ये डिपेंड करता है उसकी परमिटिविटी के ऊपर। ठीक है, तो परमिटिविटी क्या बताती है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम डिटरमाइन हाउ इलेक्ट्रिक चार्ज इंटरैक्ट विद ईच अदर इन दैट मीडियम। अलग अलग मीडियम होंगे तो अलग अलग परमिटिविटी होगी, तो उन अलग अलग मीडियम में जब हम चार्जेज रखेंगे तो वो अलग अलग फोर्स से इंटरैक्ट करेंगे। क्लियर हो गई बात। ठीक है, और अगर मैं वैक्यूम की बात करूं, वैक्यूम का मतलब होता है कि कोई भी मीडियम ना हो, इवन एयर भी नहीं होनी चाहिए, तो उनके अंदर जब हम चार्ज रखेंगे तो Q1 Q2 सेपरेशन R। वैक्यूम हमारे पास एक ही होता है, तो epsilon naught की अगर हम बात करें, epsilon naught एक ही वैक्यूम है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास रहेगी 8.85 × 10⁻¹². यूनिट कैसे निकालेंगे epsilon naught की, इसको हम यहां ले जाएंगे, फोर्स को यहां ले जाएंगे, तो हमारे पास यूनिट आ जाएगी कूलम स्क्वेयर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर। क्लियर हो गया बात। आप यहां से डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला कूलम का आता है हमारे पास A1T1, इसका स्क्वेयर है, न्यूटन इनवर्स का M1L1T-2 और इसकी पावर -1 है, मीटर माइनस, तो ये आ जाएगा भाई L की पावर -2। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा M1L1 और ये M1 नहीं रहेगा, ये -1 है, तो इसको क्या कर देगा भाई, -1 कर देगा, L1 है ये माइनस कर देगा -2 यहां से है, तो L की वैल्यू आ जाएगी -2 और -1 -3, T की वैल्यू आ जाएगी -, प्लस हो जाएगा, यहां पे भी प्लस है, T की पावर +2 यहां से, +2 यहां से, T की पावर आई 4 और A कितना आ जाएगा भाई A2। ये हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया किसका, epsilon naught का। क्लियर हो गया बात।
अलग अलग जो मीडियम होते हैं तो उनकी परमिटिविटी भी क्या रहेगी, अलग अलग रहेगी। जैसे मरकरी की परमिटिविटी अलग रहेगी, वाटर की अलग रहेगी, अगर हनी है तो उसकी परमिटिविटी अलग रहेगी, ग्लास है तो उसकी परमिटिविटी क्या रहेगी, अलग रहेगी। ठीक है, तो और उसमें हम फिर फोर्स कैसे निकालेंगे, फोर्स इन एनी मीडियम दैट इज इक्वल टू, के की वैल्यू क्या रखेंगे हम वहां पे, 4 pi epsilon क्या 1 क्या 2 बाई आर स्क्वायर। ठीक, दिस परमिटिविटी डिटरमाइन हाउ इलेक्ट्रिक चार्ज इंटरेक्ट विद ईच अदर, इसकी वैल्यू ही डिटरमाइन करती है कि उसके ऊपर जो चार्ज उनके बीच में रहेगा वो कितना रहेगा। ठीक, तो ये था भाई इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। ठीक है, और इसको हम अगर अब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल बोल दें, अब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी तो भी ठीक है। ठीक है, अब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। ठीक है, अगर मैं Hg की बात करूं तो इसकी जो अब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है तो वो हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। एक हमारे पास टर्म आती है रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी या उसको हम डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट बोलेंगे, वो होता है विद रिस्पेक्ट टू ए मीडियम। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, हमारे पास जो डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है कैपिटल के दैट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। कर लेंगे यहां तक, अगर हमारे पास कहीं पे भी परमिटिविटी की वैल्यू है तो हम उस परमिटिविटी की जगह क्या रख सकते हैं, के इनटू एप्सिलॉन। बात समझ में आ गई, तो मैं यहां पे अगर फोर्स मैं निकालता हूं फोर्स इन एनी मीडियम तो हमारे पास आ गया 1/4 pi एप्सिलॉन की जगह लिख देंगे के इनटू एप्सिलॉन नॉट क्या 1 क्या 2 बाई आर स्क्वायर। क्लियर होगी बात, इसको मैं लिख सकता हूं फोर्स इन मीडियम That is equal to 1 by k को मैं अलग से लिखता हूं, और इस टर्म को क्या बोलेंगे भाई, force in vacuum। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास force in medium। जिसकी permittivity ज्यादा होगी, जिसका dielectric constant ज्यादा होगा, उसके अंदर force की value क्या रहेगी, कम। मान लेते हैं कि इसकी जो k की value है वो है 10 और इसकी जो k की value है वो है 5। ठीक, तो force जो है inversely dependent करता है डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट पे, तो जिसका डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ज्यादा रहेगा उसका फोर्स क्या रहेगा, कम, और जिसका डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कम रहेगा उसका फोर्स क्या रहेगा, ज्यादा। अगर मैं एयर की बात करूं, इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं, अगर मैं एयर की बात करूं तो एयर को हम वैक्यूम नहीं बोलेंगे, वैक्यूम नहीं है, वैक्यूम मीन्स कोई मीडियम नहीं, एयर, एयर मीडियम की बात करें तो हमारे पास फोर्स कितना आएगा भाई, फोर्स इन एयर दैट इज इक्वल टू मीडियम है तो हम क्या यूज करेंगे, 1/4 pi epsilon ही यूज करेंगे, क्या 1 क्या 2 बाई आर स्क्वायर। लेकिन इस epsilon की जगह क्या लिखेंगे हम, फोर्स इन एयर इज इक्वल टू 1/epsilon की जगह लिख दिया मैंने के 4 pi epsilon नोट क्या 1 क्या 2 अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर होगी यहां तक। ठीक है, एयर जो होता है उसमें जो डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है उसकी वैल्यू होती है 1, इसलिए जो हमारे पास एयर के केस में फोर्स आएगा, फोर्स इन एयर वो कितना आएगा, वो आएगा 1/4 pi epsilon नोट क्या 1 क्या 2 बाई आर स्क्वायर। आप कहोगे सर ये तो वैक्यूम के लिए यूज करते हैं, फिर आपने एयर मीडियम के लिए कैसे यूज कर दिया, क्योंकि एयर के लिए जो के है डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट उसकी वैल्यू क्या रहेगी, 1। कर लेंगे यहां तक, तो एग्जाम में आपसे डायमेंशनल फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है, यूनिट भी पूछी जा सकती है, न्यूमेरिकल वैल्यू भी पूछी जा सकती है। क्लियर है, कर लेंगे यहां तक। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम और डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट जो रहेगा हम बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, थैंक यू।